देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी भाई, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें मैंने आपको जो है ना दो चीज़ों के बारे में बताया कि सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ, यानी जहाँ तक कंडीशन नहीं है ना, जहाँ तक कंडीशन नहीं है वहाँ से मेरा सैंपल स्पेस बनता है भाई। और इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है, यानी जब उसके ऊपर कंडीशन लग जाए ना तो वहाँ से मेरी कौन बनती है, इवेंट। और आप किसी भी जो इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है भाई एन ई अपोन में कौन एन एस अपोन में कौन एन एस में, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो है ना उसमें हमने पढ़ा था भाई कॉइन के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे डाई के बारे में भाई, ठीक है। कि अगर आप एक डाई को टॉस करोगे, या फिर दो डाई को टॉस करोगे, या फिर तीन चार को टॉस करोगे ना, तो सैंपल स्पेस में कौन कौन सैंपल पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले है भाई, अगर मैं एक डाई को टॉस करता हूँ, ए डाई इज टॉस, तो सबको पता भाई, कई बार बता भी लिया कि अगर आप एक डाई को टॉस करोगे तो डाई के ऊपर कौन कौन आ सके, वन भी आ सके, टू भी आ सके, थ्री फोर फाइव और सिक्स। और जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें कौन कौन सैंपल पॉइंट होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यानी आपके ये छह सैंपल पॉइंट होंगे। और इनको आप मैथ में लिखोगे कैसे, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में करके ना बंद, और इक्वल टू क्या लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। इनका नाम होता है सैंपल पॉइंट, या फिर इनको एलिमेंट भी बोलते हैं कई बार, और इनको पॉसिबल आउटकम भी बोलते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, पॉसिबल आउटकम भी इनको बोलते हैं। एंड जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, अगर आप एक डाई को टॉस करोगे तो यानी छह बनेंगे भाई। और बल्कि ये फॉर्मूला भी होता है कि अगर आप डाई को टॉस करते हो तो जो आपका सैंपल स्पेस है ना, जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट होते हैं, 6 की पावर n, कितने होते हैं भाई, 6 की पावर n। ये n मेरा कौन होता है, जितनी बार आपने डाई को टॉस किया है। अगर आप डाई को एक बार टॉस करोगे तो 6 की पावर 1 यानी 6 बनेंगे, दो बार टॉस करोगे तो 6 की पावर 2 यानी 36 बनेंगे, तीन बार करोगे तो 6 की पावर 3 यानी आपके 216 बनेंगे, ठीक हो गई। अब देखो अगर आप दो डाई को टॉस करोगे तो क्या होगा, तो टू, हाँ एक को डाई, दो को डाइस बोलते हैं, टू डाइस आर टोस्ड में। अगर आप दो डाइस को टॉस करोगे, या फिर ऐसे बोल देगा वन डाई इज टॉस टू टाइम, एक के बाद है, या फिर ऐसे बोलेगा वन डाई इज टॉस्ड टू टाइम, एक के बाद हो, ठीक है। यानी अगर आप दो डाइस को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, वो तो हमने पता है 6 की पावर 2 यानी 36 बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है भाई, वो 36 सबके कौन कौन से होंगे, देखो 36 वो कौन कौन से होंगे, हो सकता है भाई जो पहले डाई है ना उसके ऊपर भी वन आ जाए और दूसरी के ऊपर भी वन आ जाए, पहली के ऊपर भी वन और दूसरी आपने टॉस की उसके ऊपर भी वन आया हो। फिर आपने करना क्या है, इस वन की जगह को चेंज करना है, एक बार टू के साथ, एक बार थ्री, एक बार फोर फाइव और सिक्स, फिर यहाँ पर लिखोगे टू, फिर टू के साथ वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर फर्स्ट पे लिखोगे थ्री, फिर वही साथ में वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यानी वो सैंपल पॉइंट होंगे। तो एक बार वन के साथ वन, फिर वन के साथ टू, फिर वन के साथ थ्री में, फिर वन के साथ फोर, फिर वन के साथ फाइव और फिर वन के साथ कौन भाई सिक्स, फिर यहाँ पर लिखोगे टू और टू के साथ वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टू वन, उसके बाद टू के साथ टू, उसके बाद भाई टू के साथ
थ्री, उसके बाद टू के साथ फोर, फिर टू के साथ फाइव, फिर टू के साथ कौन भाई सिक्स, उसके बाद फिर फर्स्ट पर लिखोगे थ्री, थ्री के साथ वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फर्स्ट पर क्या लिखोगे, फर्स्ट पर लिखोगे थ्री, थ्री वन, थ्री टू, उसके बाद थ्री के साथ थ्री, उसके बाद वही थ्री के साथ फोर, फिर थ्री के साथ फाइव, और थ्री के साथ कौन भाई सिक्स, उसके बाद फोर वन फोर टू फोर थ्री, तो लिखो भी तो भाई, उसके बाद फोर वन, फिर फोर टू, उसके बाद फोर थ्री, उसके बाद फोर फोर, फिर वही फोर फाइव, और उसके बाद कौन फोर कोमा सिक्स, फिर फाइव के साथ फाइव वन फाइव वन फाइव टू, उसके बाद वही फाइव थ्री, उसके बाद फाइव कोमा फोर, फिर फाइव कोमा फाइव, और उसके बाद भाई फाइव कोमा सिक्स, फिर मान ले फर्स्ट पर सिक्स आ जाए तो फिर वही साथ में कौन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स वन सिक्स टू, उसके बाद भाई सिक्स कोमा थ्री, उसके बाद सिक्स कोमा फोर, उसके बाद भाई सिक्स कोमा फाइव, और उसके बाद सिक्स कोमा सिक्स, यानी जब आप दो डाइस को एक साथ टॉस करोगे ना, या एक डाई को आप दो बार फेंकोगे, तो जब आपका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें 36 सैंपल पॉइंट होंगे, और वो 36 कौन कौन होंगे, वो ये होंगे, और याद करना बिल्कुल आसान है भाई, पहले वन का साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर टू का साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर थ्री का साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर फोर का साथ वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे फाइव का साथ ऐसे ही सिक्स के साथ, और इनको मैथ में ऐसे लिखोगे कि जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें आपके 36 सैंपल पॉइंट होंगे, यानी देर फोर कि जो आपका सैंपल स्पेस है अगर आप एक डाई को दो बार टॉस करोगे तो क्या बनेंगे भाई 36 बनेंगे। अब इसमें कुछ खासियत है, कुछ खासियत मतलब देखो ये जो है ना पहली डाई का फेस है इसको बोलते दूसरी डाई का फेस है, कि जब आपने डाई को फेंका है ना तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो पहली डाई का फेस के ऊपर तो वन आया है, और जो आपकी सेकंड डाई है ना उसका फेस के ऊपर भी कौन आया, फिर तो वन आया। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है भाई कि इस बार जब आपने डाई को फेंका है ना तो फर्स्ट डाई का जो फेस के ऊपर भी टू आया, और जो सेकंड डाई है ना उसका फेस के ऊपर कौन आया, मेरा तीन आया। अब आप इसको देख के ये बताओ कि दोनों फेसेस का सम, दोनों फेस का जो सम है ना वो कम तो कितना उसका है, और ज्यादा से ज्यादा वो कितना उसका है, देख कर बताओ कि दोनों फेसेस का सम कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा। देखो कम से कम दो उसका है, एक और एक दो, तीन भी उसका है, दो और एक तीन, पर कम तक कम तो दो ही है ना, और ज्यादा से ज्यादा बारह। यानी जब आप दो डाइस को फेंकते हो ना, जब आप दो डाइस को फेंकते हो तो जो सम है वो कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा बारह, यानी दो या फिर तीन या फिर चार या फिर पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। अगर आप दो डाइस को टॉस करते हो तो जो दोनों फेसेस का सम है वो कम से कम तो टू और ज्यादा से ज्यादा आपका बारह उसके। अब तुम सोच के बताओ जो सम आपका दो है ना, चलो मैं यहां लिख दूंगा, जो सम आपका दो है वो कितनी बार है भाई, सम आपका जो दो है ना वो कितनी बार है, देखो एक बार है सम जो है ना, एक और एक दो, और तो कोई दो सम बने नहीं, यानी वो आपका एक बार है, ये काम की बात है भाई। जो आपका सम तीन है ना, तीन सम कितनी बार है, देखो तीन सम कब कब आवा है, एक और दो तीन,
दोर एक तीन और तो कई बार तीन समानता ही नहीं दो बार आओ दोनों फेसेस का जो सम है ना वो तीन आपका दो बार है एक बार दो बार है भाई यानी वो कई बार आपका दो बार है चार सम भाई चार सम देखो चार सम कब कब है एक और तीन चार एक बार दो चार एक बार ये ना तीन और एक चार यानी वो तीन बार है कई बार है वो आपका भाई तीन बार है वो देखो जानते हैं एक कम बार है चार सम तीन बार है तीन सम दो बार है तो पक्की बात है भाई जब आप पांच सम निकालोगे ना तो आपको चार बार मिलेगा एक कम बार करना है छह जो सम है ना वो आपको पांच बार मिलेगा चाहे तुम चेक कर लेना सात सम एक कम यानी छह बार मिलेगा कई बार मिलेगा छह बार आपको मिलना है उसके बाद सात के बाद जो आठ सम है ना जो आठ का सम है वो आपको पांच बार मिलेगा आठ सम के बार मिलेगा पांच बार चल चेक कर लो आठ सम का पांच बार होगा करना एक बार आठ सम पांच बार कौन कौन सी है तो आठ आपका सम छह दो आठ एक बार तो ये हो ना उसके बाद पांच और तीन आठ दो बार हो गए चार चार आठ तीन बार हो गए अच्छा भाई पांच और तीन चार बार हो गए छह दो पांच बार यानी सात तक तो क्या करना है एक कम करना है सात तक तो एक कम बार होगा और सात के बाद उस नंबर के जोड़ू कि तेरह आ जाए तो पांच जोड़ना तेरह हो ना तो पक्की बात आठ जो सम है ना वो पांच बार मिलेगा उसके बाद नौ सम नौ मम के जोड़ू कि तेरह आ जाए चार तो तुम चेक कर लेना भाई चार बार मिलेगा तो जो का नौ है ना वो सम कई बार मिलेगा चार बार और दस दस मम के जोड़ो कि तेरह जी तीन तो चाहे तुम चेक कर लो भाई तीन बार ही मिलेगा उसके बाद जो का ग्यारह है ना ग्यारह सम ग्यारह मम के जोड़ो कि तेरह जी दो तो पक्की बात दो बार मिलेगा और उसके बाद जो बारह है ना बारह मम के जोड़ो कि तेरह जी एक यानी वो एक बार देखो सिर्फ यहाँ यहाँ तो याद करना बिल्कुल आसान है पहली बात तो जब आप दो डाई को टॉस करते हो तो जो दोनों फेसेस है ना उनका सम कम से कम टू हो सके और ज्यादा से ज्यादा बारह अब जो टू सम है वो एक बार मिलेगा थ्री सम दो बार फोर सम तीन बार याद करना बिल्कुल आसान सात तक तो एक एक कम करना है और सात के बाद उसमें मैं क्या जोड़ू कि तेरह आ जाए उतनी बार मिलेगा वो कर लोगे और भी कुछ खासियत है भाई ये जो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव और सिक्स इनका नाम होता है डबलेट क्या नाम है भाई डबलेट बोलते हैं कौन कौन भाई वन कोमा वन टू कोमा टू उसके बाद थ्री कोमा थ्री उसके बाद फोर कोमा फोर उसके बाद फाइव कोमा फाइव और उसके बाद भाई सिक्स कोमा सिक्स इनका नाम होता है डबलेट क्या नाम इनका डबलेट होता है भाई अब इसको ऊपर बेस क्वेश्चन लिखो भाई तुम पढ़ो चलो जो फोर तन उसको बाद में कर लेंगे भाई तुम पहले क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो भाई पढ़ना फाइव एक बार तो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा हुआ भाई तो फोर्थ बाद में करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर फाइव भाई तो फाइव में लिखा हुआ है टू अनबायस्ड ना अनबायस्ड मतलब होता है भाई बिना धोखे वाले यानी वो धोखे वाली डाई आपकी नहीं है सही जो ताजी है ना वो वाली डाई है वो टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रो डाइस आर थ्रो भाई तो कवर के हैं दो डाइस आपने फेंक दी
दो डाई आपने फेंक दी, यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ से आपका सिंपल स्पेस बनेगा। और क्या बेस बता दें, अगर आप दो डाई को एक साथ फेंकोगे तो सिंपल स्पेस में कितने सिंपल पॉइंट होंगे, 36। और वो 36 कौन कौन होंगे चाहो तो आप लिख सको। तो s इक्वल टू लिख लेना भाई 1,1, उसके बाद 1,2,1,3 तुम लिखोगे अपने घर पे, तो भाई 1,6, उसके बाद 2,1, फिर 2,2, और लास्ट में कौन 2,6, उसके बाद भाई 3,1, और लास्ट में कौन होगा आपका भाई 3,6 बनेगा, उसके बाद 4,1, और लास्ट में कौन होगा 4,6 बनेगा, उसके बाद भाई 5,1, और लास्ट में कौन 5,6 होगा, फिर 6,1, और लास्ट में कौन भाई 6,6 ये बनेगा। यानी आपका जो सिंपल स्पेस है ना, उसमें कई सिंपल पॉइंट होंगे भाई, उसमें आपके बनेंगे 36। अब आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, पढ़ना एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दी क्या लिखा हुआ भाई, डेट दी टोटल ऑफ दी नंबर, टोटल ऑफ दी नंबर, टोटल ऑफ दी नंबर कौन भाई, टोटल मतलब होता सम, ऑन द डाइस ग्रेटर देन कौन भाई 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 10, यानी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों फेसेस का सम है ना, जो टोटल है वो 10 से बड़ा हो, 10 से बड़ा मतलब या तो 11 हो और या फिर कौन हो 12 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सीधी सी बात है, कंडीशन लग गई ना, तो इसको इवेंट मानोगे, क्या इवेंट होगी भाई, तो ई मानोगे, तो लेट ई बी द इवेंट, क्या इवेंट, कि सम ऑफ द डाइस ग्रेटर देन किससे ग्रेटर भाई, 10 से ग्रेटर, वो मैंने ई मान ली। तो अब आप चेक करोगे भाई कि जो मेरी ई है ना, उसमें कौन कौन होगा। अब देखो 10 से बड़ा सम यानी 11 और 12। अब देखो 11 सम कई बार होता है, 11 में मैं के जोड़ूं कि 13 आज 2, यानी पक्की बात है जो 11 सम है ना वो 2 बार मिलेगा। चाहो तो आप वो लिख सको कि वो 2 बार कौन कौन सा हुआ, एक तो 6 और 5 और एक 5 और 6, और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और 12 सम एक के बार हुआ है, कौन सी बार होता वो 6,6, एक बार ही होता भाई। यानी जो ई है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 3 होंगे, तो देयरफॉर एन ई कौन होगा मेरा भाई 3। तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि, तो फॉर्मूला भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कौन होगा एन ई, यानी 3 बटे में एन एस 36, 12 को कैंसिल, यानी 1/12 ये होगा आंसर। तो वही बिल्कुल आसान है, बस जो बेस मैंने बताया आपको वो ध्यान हो कि जब आप दो डाइस को फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में 36 सैंपल पॉइंट होंगे, वो ये बनेंगे, इनको बोलते हैं फेस। और जब आप दो डाइस को फेंकते हो ना, तो फेस का जो सम है वो कम तो कम 2 और ज्यादा तो ज्यादा 12। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों फेसेस का जो टोटल है यानी जो सम है वो 10 से बड़ा हो, 10 से बड़ा मतलब 11 हो या फिर 12 हो, तो वो इवेंट मैंने ई मान ली।
अब आप लिखो भी ई में कौन कौन पॉसिबल आउटकम होंगे, ये तीन बनेंगे, यानी एन ई में कौन है तीन, तो ई की प्रोबेबिलिटी कौन होगी 3/36 यानी 1/12। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।